We will discuss now the 8th lesson of VSC English, and that is the secret type of word remedy. We will discuss MCQs about this. A brief intro about this lesson is that it is a humorous story by a famous American writer, James Thurber. Walt Mitty is a daydreamer, whereas his wife is a matter-of-fact lady. Mitty is an expert daydreamer and always finds himself as the master of the situation in his imagination. He can do anything in his daydreams. Basically, Mitty was in the imagination ki duniya mein rehta tha. और कभी वो हर सिचुएशन में अपने आप को एक मास्टर समझ रहा होता था कि हर सिचुएशन चाहे वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाए, सिर्फ उस सिचुएशन में मिट्टी ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि उस सिचुएशन को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर सकती है। अदर साइड उसकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लेडी थी और उसकी मिट्टी की इस आदत से बहुत तंग थी, उसके इमेजिनेशन से, उसकी ख्वाबों की दुनिया में रहने से। Now the first question, the first MCQ about this lesson is that Walter Mitty is a daydreamer. A is the right option. Matter of fact, वो बिल्कुल भी नहीं था. B is the wrong option. Daydreamer, C and D are not also the wrong option. A is the right option. That is daydreamer. Second question is the wife of Walter Mitty is B option is the right one. That she was matter of fact lady. In the lesson, Walter Mitty and his wife were going to Waterbury for shopping and hairdo. Both options are the right ones. So C, that is both A and B, that is the correct answer. Fourth one is wife of Walter Mitty advised her husband to buy a pair of overshoes and packet of dog feed. C is the right answer. That is both A and B. तो उसने दोनों चीज़ें उसको लाने को कहा था, दैट इज पेयर ऑफ ओवर शूज एंड पैकेट ऑफ डॉग फीड। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट डे ड्रीम ऑफ मिटी वाज अबाउट कमांडिंग अ ए इज द राइट ऑप्शन दैट इज हाइड्रोप्लेन। हाइड्रोप्लेन में वो मतलब उसको इमेजिनेशन में वो एक कमांड कर रहा होता है एक सिचुएशन को, जिसमें उसको एक हाइड्रोप्लेन को रन करना होता है, मतलब एक्सट्रीम मतलब मौसम में, तूफानी बारिश में, और इधर उधर उसको वो कमांड कर रहा होता है अपनी फर्स्ट डे ड्रीम में। क्वेश्चन इज फर्स्ट डे ड्रीम ऑफ मिटी इज अबाउट ए इज द राइट ऑप्शन दैट इज कमांडिंग अ हाइड्रोप्लेन ऑन अ डेंजरस मिशन थ्रू अ हरिकेन। ए इज द राइट वन। बी में ये है जी कि कमांडिंग का बॉम्बिंग प्लान नहीं, वो बॉम्बिंग प्लान नहीं था, दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोप्लान। एंड सी दैट इज़ डीलिंग इन द ऑपरेटिंग रूम, वैसे ऑपरेटिंग रूम में वो देखने, ऑपरेटिंग रूम में ऑपरेट करने वाला वो डी ड्रीम देखता तो है लेकिन वो फर्स्ट वन नहीं होता। सो ए इज़ द राइट आंसर। सेवंथ वन इज दैट फर्स्ट डे ड्रीम ऑफ मिटी वाज अबाउट दैट इज सी बींग अ कमांडर। जो हाइड्रोप्लेन को वो मतलब रन करता है तो वो बीइंग अ कमांडर उसमें अपने आप को देखता है। सी इज़ द राइट आंसर। एट क्वेश्चन इज सेकंड डे ड्रीम ऑफ मिटी वाज अबाउट बी में क्या था, बीइंग अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। दूसरे ख्वाब में वो अपने आप को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखता है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी इज रिटन बाय विच ऑथर। बी इज द राइट आंसर, दैट इज जेम्स थर्बर। उसका नाम ये है इस लेसन के, स्टोरी के राइटर का। नाउ द टेंथ क्वेश्चन इज एट विच सीट ऑफ द कार द वाइफ ऑफ मिटी वाज सिटिंग। बी इज द राइट ऑप्शन, दैट ही वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट बिसाइड मिटी। मिटी ड्राइव कर रहा होता है और उसके साथ वाली सीट पे बैठी होती है। सो बी इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन इज हाउ मैनी डे ड्रीम्स वर सीन बाय वॉल्टर मिटी। टोटल 5। डी इज़ द राइट ऑप्शन, 5 डे ड्रीम्स होते हैं जो कि इस लेसन में बयान किए गए हैं जो कि वॉल्टर मिटी देखता है। 12th वन इज द थर्ड डे ड्रीम ऑफ मिटी वॉज अबाउट बी इज़ द राइट ऑप्शन बींग एन इम्पोर्टेंट विटनेस एट अ कोर्ट। मतलब वो तो तीसरे डे ड्रीम में वो अपने आप को एक हाई कोर्ट या सुप्रीम जो भी थी एक अदालत के एरिया में देखता है, जहाँ के वो एक केस चल रहा होता है उसमें वो इम्पोर्टेंट विटनेस खुद को देखता है उस केस में। इन द फोर्थ डे ड्रीम मिटी सा हिमसेल्फ एज अ पायलट ऑफ बॉम्बर एयरप्लेन।
फोर्थ में वो अपने आप को बॉम्बर एयरप्लेन का पायलट देखता है। इन फर्स्ट डे ड्रीम विच नंबर ऑक्सिलरी द कमांड आस्क टू स्विच ऑन नंबर ऑफ ऑक्सिलरी द कमांडर आस्क टू स्विच ऑन दैट वाज बेसिकली नंबर 8 ऑक्सिलरी, मतलब नंबर 8 को मेंशन किया गया इस लेसन में, जिसमें जो कि कमांडर कहता है जल्दी से कि उसको ऑन किया जाए, दैट इज़ नंबर 8। बी इज़ द राइट आंसर। Question is at which speed Mitya was driving when his wife said that you are driving too fast। मतलब जब वो पहले जब वो ख्वाब देख रहा होता है तो वो ख्वाब की वजह से मतलब एक डे ड्रीम देख रहा होता है, उसकी वजह से वो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा होता है वो काफ़ी स्पीड पे चली जाती है जिसका उसको आइडिया नहीं रहता, और दैट स्पीड वॉज बेसिकली अप टू 55 की स्पीड पर जा रहा होता है। द फिफ्थ डे ड्रीम ऑफ मिटी वॉज अबाउट A is the right option, that is facing the firing squad in a brave patriotic and heroic manner। तो वो पांचवें ख्वाब में अपने आप को देखता है कि एक फायरिंग स्क्वाड में है जहाँ पे वो एक ब्रेव एंड पेट्रियोटिक एंड हीरोइक मैनर में उस सिचुएशन को फेस कर रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। वॉल्टर मिटी ड्रॉप हिज वाइफ ऑफ इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वेयर शी वेंट बी इज़ द राइट ऑप्शन शी वेंट टू हैव हेयर कट। टीम क्वेश्चन इज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड डे ड्रीम मिटी उस दौरान मिटी ने क्या किया था। मिटी पार्क से कार एंड बायस ओवर शूज। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 19th वन इज दैट मिटी कैन स्टार्ट इज डे ड्रीमिंग एट बी इज़ राइट ऑप्शन दैट इज़ एनी टाइम। वो किसी भी टाइम किसी भी लम्हे एक डे ड्रीम देखने की सलाहियत रखता था। बी इज़ द राइट आंसर। When Mitty's wife came to know that he is thinking, she felt Mitty needs some medical advice and treatment. A is the right option. The dominant theme or idea which underlines the story is basically it is the idea behind the story is that the war between opposite sexes, especially between wife and husband, के बीच में जो basically क्लैश आता है वो बेसिकली इसमें एक आइडिया को बयान किया गया है। 22nd वन इज़ दैट एज अ कमांडर इन द फर्स्ट डे ड्रीम वॉल्टर मिटी वाज वेयरिंग सी इज द राइट ऑप्शन दैट ही वाज वेयरिंग हैवीली ब्रेडेड वाइट कैप। उसका कलर वाइट होता है, वो हैवीली ब्रेडेड होती है। द स्टेटमेंट वी कांट मेक इट सर इट्स स्पॉइलिंग फॉर अ हरिकेन इज गिवन बाय this statement basically it was given by Lieutenant Berg in the first day dream of Mitty. A is the right answer. Commander Mitty said throw on the power lights up to C is the right option up to 8500 revolution. REV stand for revolution and 500 is basically the right answer. On which turret the commander said to use full strength. B is the right option, उसका नंबर बेसिकली नंबर 3 होती है, नंबर 3 के लिए वो कहता है कि उसको एक फुल उस पर उसको एक फुल पावर से उसको यूज़ किया जाए। नेवी हाइड्रोप्लेन इन द फर्स्ट डे ड्रीम ऑफ मिटी वाज दैट वाज बेसिकली 8 इंजन प्लेन होता है वो। बी इज़ द राइट आंसर। विच नंबर ऑफ हाइड्रोप्लेन इज मैंशन इन द स्टोरी। हाइड्रोप्लेन का नंबर जो मैंशन किया गया वो बेसिकली SN202 है। बी इज़ द राइट आंसर। विच थिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर मिटी रिमाइंडेड टू गेट वाइल गोइंग टू हैव हेयर कट। बी इज़ द राइट ऑप्शन दैट इज ओवर शूज। हु वाज इन द ऑपरेशन रूम इन द सेकेंड डे इन सेकेंड डे ड्रीम ऑफ मिटी। अब बेसिकली जो पेशेंट होता है जो ऑपरेशन रूम में वो कौन था। डैट वॉज बेसिकली मिलियनेयर बैंकर जिसको वो अपने इमेजिनेशन में जिसको उसने ऑपरेट करना होता है। 30th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलियनेयर बैंकर। उसका नाम होता है जी ए इज़ द राइट ऑप्शन दैट इज़ विलिंगटन मैकमिलन। ये इसको मैं बोल्ड करना भूल गई हूँ। हाँ जी मेरे आई थिंक सो इट इज़ हाँ जी विलिंगटन मैकमिलन। हाँ ए इज़ द राइट ऑप्शन। Who were handling the case of millionaire banker in the operating room? Basically, two doctors were mentioned in the story. That is Dr. Renshaw and Dr. Bamboo.
बहुत दो ये जो दो डॉक्टर हैं इनके केस को बेसिकली ये हैंडल कर रहे होते हैं जो मेन डॉक्टर्स होते हैं. टू स्पेशलिस्ट इन द हॉस्पिटल वर दैट आर द बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन दैट इज डॉक्टर रिमिंगटन एंड सी दैट इज डॉक्टर प्रिचर्ड मिटफोर्ड. बेसिकली दो डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था इस केस को हैंडल करने के लिए. बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन. टू स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिमिंगटन एंड डॉक्टर प्रिचर्ड मिटफोर्ड वर फ्रॉम दे वर फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लंदन. जो डॉक्टर रिमिंगटन थे वो न्यूयॉर्क से थे और जो दूसरा डॉक्टर थे वो दैट इज बेसिकली लंदन से वो थ्रू फ्लाइट आए थे वहाँ पे. द मिलियनेयर बैंकर मैकमिलन वाज क्लोज फ्रेंड ऑफ बी इज द राइट ऑप्शन दैट इज प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट के वो क्लोज फ्रेंड था. द मिलियनेयर बैंकर वाज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज दैट डिजीज वॉज बेसिकली ऑब्स्टेरोसिस ऑफ द डक्टल ट्रैक्ट. बी इज द राइट ऑप्शन. ऑब्स्टेरोसिस ऑफ द डक्टल ट्रैक्ट सफरिंग बाय बैंकर वाज एट विच स्टेज. बेसिकली दैट वॉज एट टर्शरी स्टेज. बी इज द राइट ऑप्शन. तो वो काफ़ी स्फीयर कंडीशन में देखता है मिट्टी अपनी इमेजिनेशन में. इन द सेकेंड डे ड्रीम मिट्टी सा हिमसेल्फ एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु रोट अ बुक ऑन बुक विच इज मैंशन इन दिस लेसन दैट इज स्ट्रेप्टोट्राइकोसिस. ए इज द राइट ऑप्शन. पिच मशीन स्टॉप वर्किंग इन द ऑपरेटिंग रूम दैट इज न्यू एनेस्थेटाइजर. बी इज द राइट ऑप्शन. जिसको मिट्टी बाद में उसको रिपेयर करता है. विच साउंड इज मैंशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ड्रीम ऑफ मिट्टी. बेसिकली बी इज द राइट ऑप्शन. ये ऐसी एक साउंड है जो कि इस लेसन में मैंशन की गई है. विच थिंग मिट्टी डिमांडेड इन द ऑपरेटिंग रूम दैट वॉज अ फाउंटेन पेन. विच मिट्टी डिमांडेड टू रीपेयर द मशीन. मिट्टी वॉज पार्किंग हिज कार इन द रोंग लेन मार्क्ड एज. बी इज राइट ऑप्शन. मतलब वो एग्जिट ओनली. जिस लेन में लिखा होता है एग्जिट ओनली मिट्टी वहाँ पर उसको पार्क करने की कोशिश कर रहा होता है. दैट वॉज बेसिकली द रोंग लेन. विश गन इज मैंशन इन द डे ड्रीम अबाउट कोर्ट रूम. बी इज द राइट ऑप्शन. ही उसका नाम मैंशन किया गया है गन का. दैट इज वेबलेट विकर्स 50.80. मतलब बी इज द राइट ऑप्शन. ए सी एंड डी आर नॉट द राइट वन. 50.50 नहीं है. इट इज़ बेसिकली 50.80. पहले 50 बाद में 80 है. बी इज द राइट वन. Which specific date was mentioned for the case hearing in the courtroom? That was basically 14 July. 14 July का वो केस होता है. मतलब 14 July को वो एक इंसिडेंट हुआ होता है उसकी फिर आगे से उस केस की हियरिंग हो रही होती है. अकॉर्डिंग टू मिट्टी ही कुड हैव किल्ड विच पर्सन विद हिज लेफ्ट हैंड. ये इसमें नाम दिया गया है ग्रिगोरी फिट्सहर्स्ट. मतलब ए इज़ द राइट आंसर. विच अकॉर्डिंग टू मिट्टी ही कुड हैव किल्ड विद हिज लेफ्ट हैंड. 45 question is that which of the following statement is correct given by Mitty in the courtroom? B1 is the correct one. I could have killed Grigory Pitshurst at 300 feet with my left hand. But the distance mentioned kiya gaya hai, that is basically 300 feet. Aur jo uska left hand usko mention kiya gaya hai. So 300 feet aur left hand aapne yaad rakhna hai. 46th question is that which words of Mitty made a woman laugh. And that was basically puppy biscuit. वो जब ये कहता है उसके पास जो औरत गुजरी होती है वो basically इन words से हंस पड़ती है. Mitty went into which small store. That is जो store का नाम mention किया गया है that is basically C1. That is A&P store. A.P. store. इसको जो मर्जी कह लें आप. 48th one is that in the last day dream, Mitty being a captain of bombing plan thought that can see is the right one. That can Germany conquer the world through the air. मतलब वो बैठे बैठे उसमें लास्ट डे में ये सोच रहा होता है कि वो एक बेसिकली काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस कर रहे हैं. लेकिन क्या इस सिचुएशन में कैन जर्मनी कॉन्कर द वर्ल्ड थ्रू द एयर. Which ending statement is written by the author of this story? इसमें A1 is the right one. That is Walter Mitty, the undefeated, indescribable to the last.
मतलब वो मिट्टी खुद मतलब ये समझता है कि वो हमेशा हर सिचुएशन का मास्टर है, वो हमेशा अनडिफीट रहता है और ही इज़ ऑलवेज अ मिस्टीरियस पर्सन और उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, वो कोई भी उसकी कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता कि वो क्या सोच रहा है. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन. Give your feedback in the comment section below, and if you like my video you can share it and you can subscribe my channel as well.